नमस्कार, स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में विख्यात कजारिया टाइल्स कंपनी के चेयरमैन व प्रबंधक निदेशक श्री अशोक कुमार कजारिया मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां दादर रोड स्थित मां भवानी डेकोर में उनका भव्य स्वागत किया गया। कंपनी के चेयरमैन अशोक कुमार कजारिया पर पुष्प वर्षा की गई। साथ ही मां भवानी डेकोर के प्रबंधक निदेशक ने अशोक कुमार कजारिया को गुलदस्ता भरे फूलों का भेंट देकर उनका भव्य स्वागत व अभिनंदन किया। कजारिया के चेयरमैन अशोक कुमार कजारिया ने मां भवानी डेकोर शोरूम का निरीक्षण किया और इस संस्थान के प्रबंधक निदेशक नीरज कुमार को बेहतर प्रदर्शन और डिस्प्ले के लिए बधाई दिया। आपको बता दें कि पूरे उत्तर बिहार का एक्सक्लूसिव कजारिया शोरूम मुजफ्फरपुर की दादर रोड स्थित मां भवानी डेकोर है, जहां से उत्तर बिहार के लोग लाभान्वित होते रहे हैं। चेयरमैन अशोक कुमार कजारिया के साथ कजारिया ग्रुप के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनका स्वागत मां भवानी डेकोर की तरफ से शानदार तरीके से किया गया। इस मौके पर प्रबंध निदेशक नीरज कुमार ने कहा कि मेरे शोरूम मां भवानी डेकोर में चेयरमैन अशोक कुमार कजारिया का आवागमन सौभाग्य की बात है। चेयरमैन का स्वागत कर मां भवानी डेकोर अपने आप में काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस मौके पर चेयरमैन अशोक कुमार कजारिया ने कहा कि मां भवानी डेकोर ने बहुत ही शानदार डिस्प्ले बनाया है, जहां अगर ग्राहक पहुंचते हैं तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी के कारण बाजार में डुप्लीकेसी बंद हो गई है, अब कहीं भी टैक्स की चोरी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कजारिया विश्वास का नाम है और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए संकल्पित है। वैसे तो मैं मुजफ्फरपुर में पहली बार आया हूँ, यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने बहुत बढ़िया शोरूम बनाया है और मेरे हिसाब में ये जो एफर्ट हुआ है, इसका रिजल्ट नेक्स्ट 5 साल तक इनको ये इंजॉय करेंगे इसको। और जो शोरूम बना है बहुत क्लास अपार्ट बना है। अभी ऊपर में 5,500 स्क्वायर फीट का बना है, नीचे वाला अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, पर जब ये पूरा शोरूम बन जाएगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल शोरूम्स इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। बताएं आज कैसा महसूस कर रहे हैं इस कजारिया? सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा कि सर आज मुजफ्फरपुर में इस शोरूम पे आए हैं। ये हमारे लिए मतलब एक अप्रत्याशित सी बात है कि सर मुजफ्फरपुर जैसे शहर में और इस शोरूम में आए, और इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और सर के साथ साथ सर की पूरी टीम जो कजारिया से के लोग हैं, उन सब लोगों को मैं थैंक यू करना चाहूंगा। धन्यवाद। कजारिया को लेकर जो बहुत तरह की बातें जो आती है बाजार में, उसको लेकर क्या, जैसे कि और भी लोग जो है कजारिया का लोकल में माल बेचते हैं? लोकल में नहीं, लोकल में माल नहीं बिकता कजारिया का। देखिए, सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो जीएसटी के कारण आया है। जीएसटी के कारण अब टैक्स की चोरी हिंदुस्तान में बंद हो गई, जो पहले लोग दो नंबर करते थे बंद हो गया। जीएसटी के कारण टैक्स की चोरी नहीं हो सकती, और आज उस बात को 5.5 साल हो गया। आज जो ये शोरूम बना है, अगर आज से 5 साल पहले बनता तो शोरूम में बहुत तकलीफ आती। बगल में अगर शोरूम 1,000 फुट का होता, वो क्या बोलता था पहले, भैया बगल से फोटो लिया मैं दे दूंगा सस्ता, क्योंकि वो टैक्स पे प्ले करता था। आज वो टैक्स का प्ले खत्म हो गया, तो इसीलिए जो बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं, जो आज इन्होंने बताया है, बनाया है, और मैंने कहा कि 5 साल इनको फुर्सत नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ जीएसटी। कहीं ना कहीं आपका शोरूम खोलने वाले को ये सब सुविधा मिल पा रहा है, विश्वास लोगों का काफी बाजार में, ग्राहकों का। जब भी आज ये इतना बड़ा बढ़िया शोरूम खोले हैं, ये तो इनकी एंटरप्रेन्योरशिप है जो इतना बढ़िया शोरूम खोले हैं यहाँ पे। सर मुजफ्फरपुर में कितने शोरूम हैं आपके? हमारे वैसे तो 4 डीलर हैं, पर दिस इज द बेस्ट शोरूम टुडे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।